हाय गाइस, आपको अपने फेसबुक और इंस्टा पर स्टोरी लगाना तो अच्छा लगता ही होगा दोस्तों, लेकिन आप अपनी स्टोरी को बहुत ही अच्छी क्रिएट करते होगे। अच्छा क्रिएट करने के बाद आप अच्छा स्ट्रॉन्ग लगाकर उसको अपनी स्टोरी पर लगाते होगे, और आप ये जानकर इसको स्टोरी को बनाते हो कि मेरी स्टोरी सबसे अलग लगे, सबसे अच्छी लगे। और दोस्तों, लेकिन आपने एक बात जरूर देखी होगी स्टोरी में कि व्हाट्सएप पे भी स्टोरी लगती है, लेकिन हम जो व्हाट्सएप पे स्टोरी लगाते हैं दोस्तों, उसको हम फेसबुक पर लगा देते हैं, फेसबुक पर हम उसको शेयर कर देते हैं, वो फेसबुक स्टोरी पर हमारी स्टोरी शेयर हो जाती है, ऐड हो जाती है। लेकिन दोस्तों, आप ये जरूर सोचते होंगे कि हमारी जो फेसबुक की स्टोरी है वो हमारी व्हाट्सएप पे क्यों नहीं लग सकती दोस्तों। लेकिन आप फेसबुक की जो स्टोरी है इसको सेव करना भी जरूर चाहते होंगे, लेकिन वो सेव तो हो जाती है, लेकिन उसमें म्यूजिक सेव नहीं होता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐप के बारे में बताऊंगा जिससे आप फेसबुक पर जो अपनी स्टोरी क्रिएट करते हो दोस्तों, आप बिल्कुल सक्सेसफुल म्यूजिक के साथ उसको सेव कर सकते हो अपनी फ़ोन की मेमोरी में, और उसको अपने व्हाट्सएप स्टोरी पर भी लगा सकते हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरी इस वीडियो में। मेरा नाम है अतुल कुमार और आप देख रहे हैं प्रधान का ज्ञान। तो दोस्तों, लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो गाइज, मैं आपके लिए इस टॉपिक पर वीडियो लाया हूँ कि आप अपनी फेसबुक की जो स्टोरी होती है उसको कैसे सेव करें अपनी मेमोरी में, जिससे आप अपने व्हाट्सएप पे भी इसको ऐड कर सके। दोस्तों, सिंपली मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या ऐप इंस्टॉल करना है इसके लिए। ये दोस्तों आपको क्रोम से डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल ट्रस्टेड ऐप है, आपको प्ले स्टोर से भी मिल जाएगा। दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और आपको उसको फॉलो करके इसको सेव कर लेना है, और सेव करने के बाद इसमें अपनी आईडी को ओपन करके और जितनी भी स्टोरी है इसको सेव कर सकते हैं। आप अदर कितनी भी वीडियोज जो फेसबुक पर अपलोड होती है इसको भी सेव कर सकते हैं अपने फ़ोन की मेमोरी पर, और अपने व्हाट्सएप स्टेटस को भी इस पर लगा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आपको मैं बताता हूँ तो कैसे कैसे आपको इसको इंस्टॉल करना है। तो मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं दोस्तों। तो गाइस, हम आ गए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद हम अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करते हैं। प्ले स्टोर ओपन होने के बाद सर्च बार में हमको टाइप करना होगा फेसबुक स्टोरी सेवर। ये हमारे पास सर्च करने के बाद ये ऐप हमारे पास खुल कर आ जाता है जो हमने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। हम इसको ओपन करते हैं अपने फ़ोन के अपने फ़ोन में। इसको ओपन करने के बाद बाहर से जाकर हम इसको ओपन करेंगे तो इस तरीके से कुछ इंटरफेस आपके सामने आएगा, और ये ऐप आपकी आईडी को लॉगिन मांगेगा, जो कि मैंने पहले से ही अपनी आईडी इसमें लॉगिन करके रखी हुई है। अब इसमें आपको बिल्कुल फेसबुक के जैसे ही ऐप लगेगा, जैसे एक फेसबुक चलते हैं ऐसे ये ऐप फेसबुक की तरह वर्क करता है, और आप सिंपली इसमें हर चीज़ इसमें चला सकते हो, और जितनी भी वीडियोस इसमें होती है आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो सेकंड नंबर पर आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों स्टोरी का ऑप्शन, ये देखो दोस्तों सेकंड नंबर में आपको स्टोरी का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। हम उसको क्लिक करते हैं और यहाँ पर जितनी भी स्टोरीज फेसबुक के ऐप हमारे पास आ जाती है, और फर्स्ट नंबर पर जो स्टोरी होती है वो हमारी फ़ोन की स्टोरी होती है, फेसबुक की स्टोरी। हम उसको यहाँ पर टू डॉट्स नीचे दिखाई देते हैं, टू डॉट्स पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर डाउनलोड का हमारे पास ऑप्शन आ जाता है, और यहाँ पर सिंपली हम इसको क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं। ऐसे डाउनलोड करने से हमारे पास सक्सेसफुल वीडियो डाउनलोड हो जाती है म्यूज़िक के साथ। अब आप इसको सीधा अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा सकते हैं, और ये बहुत ही सिंपल होता है। तो गाइस, सिंपली आपके पास ये वीडियो सेव होकर आ जाती है। आप इसको अपनी किसी भी इंस्टा स्टोरी या व्हाट्सएप स्टोरी पर इसको यूज़ कर सकते हो, कहीं भी इसको आप अपलोड कर सकते हो। होप कि आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। तो दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना। दोस्तों, अपने कमेंट्स इस वीडियो पर जरूर देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है कि नहीं रही, ये मेरे को जरूर बताना। और दोस्तों, आपको कमेंट में ये भी बताना है कि आपको आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो गाइज, चलो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।